संजय बुधवत सर, मिस्टर ऋषिकेश सेन गुप्ता सर, और टू गिव अस टाइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स आई हैव बीन प्रमोटिंग होम्योपैथी एंड एस्ट्रोलॉजी, बोथ द साइंस एमालगेटेड टूगेदर फॉर नियरली पास्ट 10 ईयर्स. एंड पास्ट 2 ईयर्स वी हैड फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रुप वेयर आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन यूज एस्ट्रोलॉजी इन होम्योपैथी टू हेल्प आवर पेशेंट्स. वेल, संजय बुधवत सर, आई हैव लर्न फ्रॉम हिम. ही इज माई मेंटोर. ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी आई थिंक सो फॉर मोर देन 40 ईयर्स और 30 ईयर्स. ही इज अ मास्टर इन वास्तु, अ मास्टर इन केपी एस्ट्रोलॉजी. द साइलेंट फीचर्स अबाउट हिम इज इज ओपन टू ऑल सजेशंस, विच आई फाइंड इट रेयर अमॉन्ग एस्ट्रोलॉजर्स. मे दे आर वेरी फिक्स्ड विद देयर कंसेप्ट्स, बट ही ऑलवेज यूज टू से टू मी, ओके यू कंटिन्यू द गुड वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग एंड आई एम देयर विथ यू. सो ही हैज ऑलवेज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड हाउ आई कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन होम्योपैथी और मेडिकल. मिस वेर एवर आई हैड डिफिकल्टीज ही ऑलवेज वॉज देयर टू सॉर्ट इट आउट. ही इज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स एंड ही हैज नक्षत्र, डेली नक्षत्र ऑन हिज फिंगर ट्रिप्स. मीन्स फॉर विच वी नीड अ कॉम्प्यूटर, ही हिमसेल्फ इज अ कॉम्प्यूटर. सो आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू हिम टू गिव हिज टाइम टू टीच अस एंड एक्सप्लेन टू अस सम बेसिक्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी. नाउ डिपेंडिंग अपॉन हाउ इज ऑल अवर रिस्पॉन्स, आई एम फर्दर गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम टू टेक फर्दर लेक्चर्स सो दैट थिंग्स कैन बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. I will request Mr. Rishikesh Sen Gupta to say a few more words about him. यस सर, यस सर. बुधवन सर, बुधवन सर, अगर आपके यहाँ दो लैपटॉप चालू है तो माइक बंद कर देना, वो माइक से डिस्टर्ब होता है. प्लीज स्विच ऑफ द माइक. ओके, सो डॉक्टर भाई पाटिल, एज आई एम टोल्ड टुडे देर आर ऑल डॉक्टर्स हियर. क्या यस बात है, आरोग्य और विज्ञान, आरोग्य और विज्ञान के डॉक्टर्स होते हैं गुरु. दवाइयों से उनके दर्द कम होना होता है शुरू. तो दर्द कम होता है, वेलकम ऑल डॉक्टर्स टुडे. पता है, ईश्वर सबके जीवन की रक्षा खुद नहीं कर पाते, इसलिए इस धरती पर अपने रूप में डॉक्टर्स को भेज दिया है. आप सभी देव रूपी देव तुल्य डॉक्टर्स को हमारा वंदन और आपका स्वागत है. बहनों और भाइयों, जैसे मैंने कहा ना, सब देव रूपी डॉक्टर में हमारे बीच में एक महादेव हैं. ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी अगर मैं डॉक्टर अभय पाटिल को महादेव बोलूंगा. हमारे डॉक्टर अभय पाटिल, ही हैज हैंडल्ड मोर देन 10,000 केसेस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस एंड हैव आल्सो टेकन हेल्प ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी. ही इज मास्टर इन दिस सब्जेक्ट. ही हैज कंडक्टेड थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल कैंप्स, हंड्रेड्स एटलीस्ट. एम आई राइट डॉक्टर? Hundreds, no, yeah, it is हंड्रेड्स, hundreds, not thousands. Yes, हंड्रेड्स ऑफ yeah, मेडिकल this I कैंप्स. used to use this concept in the camps of my sir, Dr. Praful Vijaykar. He helped me to use this concept in his camps. Great, great passion you have, sir, for this subject. So, Yes. ladies and gentlemen, he is a legend, he's a master, he's a family of doctors. So, today also, you know, doctor, उनका पैशन ही है कि आज हम सब इधर एक साथ इकट्ठे हुए हैं. He's so hard working, so hard working. याद रखिए बहनों और भाइयों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है. जिसने रातों से जीती है जंग, सूरज बनकर वही निकलता है. तो सूरज की तरह चमक रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी में हमारे डॉक्टर अभय पाटिल. मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियां बजाएं और इस बात की खुशी इजहार करें कि उन्होंने ये प्रयत्न किया है, ये प्रयास किया है कि हम सब एकत्र आए और इस विषय को गौर से समझे.
hats off to you, doctor. Thank you so much. Thank you, Dr. Rishikesh. I don't deserve all this praise. You I'm do. just a small person, a doctor who's trying to advocate the skill from learning from all mentors like Sanjay sir and from Abhijit Pratishthan, as I learned from them. I'm just Thank you, trying to doctor. follow their methodology and use it Lovely, in my field. lovely, sir. Love your humility. Love your Yeah. humility. Banner Bhai, it's time to welcome Sanjay Budhwant, sir, the master in this subject, as Dr. Abhay Patil, Dr. Sir, has already said. More than 23 years of experience. Nakshatra to unke na, jaise sir kehta hai, computer ki tarah batate hain. Super, super, super knowledge is vishay ka, aur jinko bhi seekhna hai, is tarah ke guru ke छत्र छाया में सीखना बहनर भाइयों भाग्य की बात होती है। एक हमने शुरुआत में एक छोटा सा जिंगल प्ले किया था, कुछ लोग जो नए ज्वाइन हुए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे बुधवंत सर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बुधवंतिज्म की जो बातें हैं, जो फिलोसफी है, वो आप समझें। बुधवंत सर हमेशा मानते हैं कि शास्त्रों को शस्त्र बनाए, जीवन का अस्त्र बनाए, ज्योतिष वास्तु से भाग्य जगाए। बुधवंत सर, कैन वी प्ले दैट जिंगल वंस? Yes, Yes, sir. Okay, sir. I wanted that video jingle. Anyways, हम बाद में सुनाएंगे. और so it's time to welcome बुधवंत सर here. बुधवंत सर की जिंदगी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है दोस्तों. जो सेवा करने का उनका जो भाव है, जो लोगों को हमेशा ज्योतिष वास्तु के तरफ खींच कर लेके आते हैं, और कईयों की जिंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनके ज्ञान से. तो बुधवंत सर को देखकर दिल यही कहता है कि जिंदगी में अपना किरदार हम इस तरह से जिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे. ऐसी जिंदगी जीने वाले हमारे संजय बुधवंत सर का स्वागत करते हैं. सर प्लीज वेलकम, द स्टेज इज योर्स. वेलकम सर. थैंक यू सो मच. पहले तो मैं ऑनरेबल डॉक्टर अभय पाटिल सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम कि ये विषय के बारे में हम बहुत सालों से चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपके सामने रखने का आज अवसर हमें मिला है. और मैं जानता हूं कि जब जैसे मैं वास्तु के लिए जाता हूँ कभी, तो एक जरा सी अलग अड़चन होती है कि वहाँ आर्किटेक्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं या इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, तो ये वास्तु वाला जब भी जाता है तो इनकी तरफ एकदम खुन्नस से देखते हैं. दे यूज टू सी हिम वेरी इन खुन्नस मोड कि बाप रे अभी ये आया तो ये क्या करेगा, क्या बदलाव लाएगा, क्या करेगा पता नहीं. एक्चुअली आई थिंक, मुझे मैं समझता हूँ कि एवरी प्रोफेशनल शुड बी सप्लीमेंटेड टू ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के तरफ कोई प्रीजुडिसेस रखे, पूर्वग्रह रखे. तो इसी तरह से मैं बड़े विनम्र भाव से, आई एम वेरी सेइंग पोलाइटली, कि डॉक्टर्स के जो क्षेत्र है, मेडिकल साइंस है, उसके बारे में, एनाटॉमी में मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ. ये तो आपकी मास्टरी है. और जैसे ऋषिकेश सर जी ने कहा कि आप सब भगवान है और पेशेंट की सेवा करते हैं, उन्हें अच्छा आनंद दिलाते हैं, दुख से बाहर निकालते हैं, उनके दर्द को कम करते हैं, तो इसके लिए कुछ हेल्पिंग हैंड थोड़ा बहुत मेरी तरफ से और अपनी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से अगर हो जाए
तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर समझे इस विषय को कि हाउ कैन कृष्णमूर्ति पद्धति और एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू इन दिस मेडिकल साइंस फॉर डायग्नोसिस एंड क्यूरिंग ऑल दिस टाइप। सो आई विल स्टार्ट नाउ। हाँ ओके, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अश्विनी होम्योपैथी एंड डॉक्टर अभय पाटिल सर। सो उनके एसोसिएशन के साथ ये आज लेक्चर संपन्न होने जा रहा है। सी इन जोडियाक साइंस एरिस से लेके पीसेस तक जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो फिक्स है कि एरिस कहा जाए तो एरिस इज रिलेटेड टू योर हेड ब्रेन इस तरह से। फिर उसके बाद में टॉरस, फिर टॉरस इज रिलेटेड टू योर फेस लाइक दैट। वहां से लेके पीसेस तक ये जो बॉडी पार्ट्स है हमारे, ये राशि के अंतर्गत बिठाए गए हैं। सो कृष्णमूर्ति पद्धति में पहले तो राशि, फिर नक्षत्र और फिर द पार्ट ऑफ द नक्षत्र जो सब लॉर्ड, ऐसे हम माइक्रो लेवल पर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कैंसर कहा तो चेस्ट का एक पोर्शन आ गया, फिर लियो कहा तो हार्ट का पोर्शन आ गया, स्पाइन का पोर्शन आ गया। लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर बॉडी पार्ट्स इन जोड़ियाक साइंस कि जोड़ियाक में कौन कौन से ये आते हैं। कि वर्गो अगर हमने कहा तो इट इज अ इंटेस्टाइन पार्ट, एब्डोमेन का जो पार्ट है वो उसमें आता है। तो जब भी इनका संबंध एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा तो हमें झट से समझ में आ सकता है कि एज अ भाव, एज अ हाउस, एज अ कस्ट, जब भी सिक्स हाउस विल बी देयर, सिक्स हाउस इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन्स, एब्डोमेन पार्ट, स्प्लीन पार्ट, तो उसमें उस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। सो हमें जब भी कोई चीज को समझना है तो हमें पहले राशि और राशि से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स है उसको पहले समझना होगा। जैसे सैटर्न का तो हमारी जो बोन्स है तो बोन से रिलेटेड है, हमारे सैटर्न की जो राशियां है कैप्रिकॉन है, एक्वेरस है, तो वो जो लेग का जो पार्ट आता है नीज से लेके नीचे तक, तो उस तरह से हमें उसको समझना होगा। सो इट इज अ राशि पार्ट विच इज वेरी ऑन जनरल लेवल। सी द हाउस, फिर हाउस एंड कस्प जो है तो उसके हिसाब से देन नक्षत्र भी आते हैं। ए वन राशि इज मेड अप ऑफ द नक्षत्र, फिर एक राशि में अनेक नक्षत्र आते हैं। सो हाउ कैन वी नो अबाउट द एग्जैक्ट माइक्रो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। जैसे कि अश्विनी कहा तो फिर हेड का जो ऊपर ऊपर का पार्ट आता है, फिर भरणी, फिर कृत्तिका, इस तरह से 27 नक्षत्रस है और 27 नक्षत्रस के अपने अपने स्पेसिफिकेशंस है और उससे रिलेटेड हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। जैसे रेवती का अगर हमने ये किया जो पीसेस राशि में रेवती नक्षत्र इज देयर, सो वो हमारे पैर का जो फुट का भाग आता है, उसके नीचे का भाग आता है, वो वहां पर हमें समझना होगा। तो कभी भी जब भी डायग्नोसिस करते वक्त जब ये भाव आएगा, सिक्स भाव में अगर पीसेस राशि है और रेवती नक्षत्र है, तो हमें उस पार्ट के बारे में सोचना होगा कि वहां पर प्रॉब्लम मूल रूप से हो सकता है। इसी तरह से बाकी के जो नक्षत्र है, जैसे मघा नक्षत्र है, गुरुवा फाल्गुनी नक्षत्र है, वो उत्तरा फाल्गुनी है, वो हार्ट के आसपास का जो भाग है वह दर्शाते हैं। जैसे मिथुन राशि, यह राशि हमारे जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाती है।
उसी तरह से मर्क्यूरी एज अ प्लैनेट, जब हम मर्क्यूरी लेंगे तो उसे उस तरह से हमें समझना होगा कि वह स्पाइनल कॉर्ड का भी कारक है, उसके बाद में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारक है। तो ये कॉम्बिनेशंस करते वक्त फिर हमें एग्जैक्टली उस डायग्नोसिस करने के लिए या उसको समझने के लिए मदद मिलेगी। हम तो टेस्ट करवाते ही है, आप सभी डॉक्टर लोग तो टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद में उसमें रिजल्ट भी आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद में कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग होता है, तो ये जो मिसिंग चीज है उसको समझने के लिए इसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे सेवंथ हाउस कहा, तो सेवंथ हाउस सप्तम भाव ये किडनीज ये करते हैं, निर्देशित किया जाता है, ओवरीज है, यहाँ पे इम्पोर्टेंसी है, इस तरह से उसको हमें समझना है। जैसे एट हाउस अष्टम स्थान या अष्टम भाव जो हम बोलेंगे, या वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि, तो वो क्या करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फिर हमारे जो प्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन करने के जो ऑर्गन्स है वो वहां से देखे जाते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें वहां पर देखी जा सकती है कि उसका प्रॉब्लम अष्टम भाव के आने के बाद में। एक्चुअली मेडिकल के इसके लिए सिक्स का, अष्टम का एवं ट्वेल्थ का, मतलब 6 8 12, ये सिक्स सिक्स फिर 8 एंड 12, ऐसे वो आते हैं। सो वी हैव टू कंसिडर दिस थ्री मेन हाउसेस ओवर हियर। मेन हाउस इज सिक्स, बिकॉज सिक्स हाउस जो है वो डिसीज को निर्माण करता है, तो वहां से देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सा डिसीज है, फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है फिर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं वो कि किस तरह से है। तो उसको सपोर्टिव भाव जो है एट हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इन दोनों से देखा जा सकता है। इसके लिए कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जब आप 6 8 12 की दशा महादशा वगैरह होती है तो बहुत ही निगेटिव होती है, क्योंकि वहां पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस का संबंध भी वहां पे हमें देखना चाहिए। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी एंड कृष्णमूर्ति पद्धति। सो कृष्णमूर्ति पद्धति इज वर्किंग ऑन वेरी माइक्रो लेवल। जैसे किसी हमें वायरस को देखना है, जीवाणु को देखना है, तो हमें एक हाई लेवल का माइक्रोस्कोप लगेगा और उसमें हम देख पाएंगे उसके मूवमेंट्स या उसके उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें ही देख पाएंगे, हम खुली आंखों से उसे देख नहीं सकते। उसी तरह से कृष्णमूर्ति मेथड ये जो एकदम माइक्रो लेवल पर काम करने वाली मेथड है, और इसको हम डायग्नोसिस करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो हमें क्या होता है कि सब कंप्यूटर में बहुत सारे एप्स आए हुए हैं, तो कैलकुलेशन विद इन अ सेकंड्स हमारी स्क्रीन पर हो जाता है। तो वहां जो उसके लिए कौन से भाव लग रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं, इस तरह से एकदम इजीली समझकर हम उसको समझने का प्रयास करने वाले हैं। जैसे कि डीएनए कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो वो केपी एस्ट्रोलॉजी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ हार्मोनियल इश्यूज है तो दोस कैन बी आल्सो आइडेंटिफाइड यूजिंग द कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी मेथड। दिस मेथड इज फाउंड बाय वेरी जीनियस पर्सन कृष्णमूर्ति द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, कि जिन्होंने कृष्णमूर्ति मेथड में बेस हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का ही है। जैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में राशि है, नक्षत्र है, और उसी तरह से कृष्णमूर्ति पद्धति में भी राशि नक्षत्र है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो उसका माइक्रो लेवल पे काम करने में है। कि कृष्णमूर्ति वो आगे चल के देखते हैं हम
तो ये मेथड में उन्होंने कुछ वेस्टर्नाइज जो एस्ट्रोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स थे, वो भी योग जैसे एस्पेक्ट है या और प्रोग्रेशन जैसे एस्पेक्ट्स है जो साइन में यूज किए जाते हैं, वो भी यहाँ कृष्णमूर्ति पद्धति में लाने की कोशिश की और वे बहुत हद तक सफल रहे, जिसकी वजह से माइक्रो लेवल पर उस पद्धति को कैसे समझा जा सकता है यह हम देखने वाले हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट मॉडर्नाइज मेथड एंड इट्स अ वेरी फेमस कंसेप्ट। कृष्णमूर्ति मेथड इज वेरी फेमस। सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। वन इज इन द लेफ्ट साइड, दैट इज द फोर इक्वल पार्ट्स ऑफ नक्षत्र विच इज डन इन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज नोमोस। फोर इक्वल पार्ट्स, 3 डिग्री 20 कला ईच, तो ऐसे 13 डिग्री 20 कला हो जाता है, विच इज अ नक्षत्र स्पैन। एवरी नक्षत्र का स्पैन 13 डिग्री 13 डिग्री 20 कला का होता है। उसको लेकर इस तरह से ट्रेडिशनल में किया जाता है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में उन्होंने क्या किया कि इट इज बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पर लेके गए कि 9 पार्ट्स किए उसमें, 13 अंश 20 कला के नक्षत्र के 9 पार्ट्स किए बेस्ड ऑन द विषोत्तरी महादशा सिद्धांत, कि विषोत्तरी महादशा में जो केतु शुक्र से लेकर मरकरी तक जो दशाएं है, 120 ईयर्स का साइकिल है। ये 120 ईयर्स का जो साइकिल है, एक्चुअली ईश्वर ने सबको 120 ईयर्स का आयुष्य दिया है, लाइफ दिया है, ऐसा कहा जाता है। तो वो कैसे स्पैन में है, तो केतु से लेकर मरकरी तक है, और उसके अलग अलग स्पैन है। जैसे केतु इज ऑफ 7 ईयर्स, फिर वीनस इज ऑफ 20 ईयर्स, फिर सन एज 6 ईयर्स, लाइक दैट अप टू द मर्क्यूरी, टोटल इज 120। तो उसके प्रोपोर्शनेट में 9 पार्ट्स नक्षत्र के किए हैं। फिर दोज पार्ट्स आर कॉल्ड एज द सब लॉट, मीन्स नक्षत्र के सूक्ष्म भाग जिसे कहा जाता है। सो दोज आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कृष्णमूर्ति मेथड। ठीक है, सो वी विल सी हाउ टू दोज शुड बी यूज्ड। सी नौमांश दिए गए हैं और कृष्णमूर्ति पद्धति में सब लॉट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में वी विल सी दिस सब लॉट्स। सी हियर वन एग्जांपल इज देयर, ये एक एग्जांपल है। मेरे पास एक ऐसी केस आई थी कि वो जो मिस्टर है, वो मतलब उनकी मिसेस ने फोन किया था कि मेरे मिस्टर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं और ऑफिस में भी वो लेडीज के साथ बहुत ही ज्यादा रगड़ करते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं, और हमारे एरिया में भी उनका नाम बहुत खराब हो चुका है, तो हमारी फैमिली बहुत सफर हो रही है, तो क्या किया जाए। ऐसे मतलब उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऐसे क्वेश्चंस थे। तो ये प्रश्न कुंडली है, कृष्णमूर्ति पद्धति में एक जादू का दिया है। तो जादू का दिया क्या है, वो जादू का दिया है प्रश्न कुंडली, मतलब जब आपसे कोई प्रश्न किया जाए तभी की कुंडली बनाकर आप उस प्रश्न के लिहाज से उसका उत्तर देंगे। तो ये प्रश्न उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे किया था और ये तभी की प्रश्न कुंडली है। तो हमने देखा इसमें कि जो 6 हाउस है, 6 हाउस प्रॉब्लम दर्शाता है। तो ये 6 हाउस इज वीनस, शुक्र, शुक्र था और शुक्र 6 हाउस में था, 6th हाउस में था, और वो लियो राशि में था और मगा नक्षत्र में था, और जो मगा नक्षत्र का लॉर्ड है केतु वो 8th में था। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम था, ये सी 6 3 8 7 का प्रॉब्लम है। मतलब क्या है कि वह पत्नी के लिए 6 हाउस हमेशा निगेटिव माना जाता है, 3 और 8 ये दोनों हाउसेस बहुत निगेटिव है, कि जिसमें एक अलग तरह का जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वह उसमें हो गया है, और ये मतलब वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये उनसे होता जा रहा है। सो ही नीड्स द एक्चुअली नीड्स द साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वेरी अर्जेंटली, ऐसा हमने उनको कहा, क्योंकि ये इस व्यक्ति का जानबूझकर वो कर नहीं रहा है, उससे हो रहा है, लेकिन दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो उन्होंने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी ली थी लेकिन बाद में छोड़ दी,
तो जैसे ही छोड़ दी तो फिर से वो प्रॉब्लम आ गई थी। और उनके ऊपर थर्ड हाउस मतलब क्या, हमारे जो नेबर होते हैं, तो 3-8 का जब भी संबंध आता है तो नेबर से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नेबर लोग ही फिर तकलीफ देते हैं। तो यहाँ पर उनके नेबर ने उनके ऊपर एक पुलिस केस भी FIR फाइल किया था, जिसकी केस अभी तक चल रही है कोर्ट में, अभी अभी स्टैंड हो गई है वो। तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ उठाने पड़ी, और उनके जो फैमिली बहुत सफर हो गई। फिर उनको जो जहाँ रह रहे थे वो घर छोड़कर दूसरी जगह फिर रेंट से रहने के लिए गए, खुद का घर रेंट से देना पड़ा। सो मेनी सफरिंग्स फॉर द फैमिली। तो यह प्रॉब्लम जो है, यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि सिक्स हाउस में, छठे भाव में, ये जो है सिक्स हाउस, ये जहाँ पे वीनस, मरकरी, मार्स, ये सभी देखे जा सकते हैं, दिस थ्री प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स आर देयर। तो उसकी वजह से यह प्रॉब्लम वहां पर बहुत ही वल्नरेबल रूप ले चुका है। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए कि ट्रीटमेंट क्या चाहिए, कि ये बता रहा है कि ये इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम है। जब भी वीनस का एस्पेक्ट आता है एंड 8th हाउस इज कमिंग, तो हार्मोनल प्रॉब्लम वहां पर देखा जा सकता है। और जब भी 8th हाउस रिपीटेशन में आते हैं, सो हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसके लिए उनके इस प्रॉब्लम के ऊपर साइकेट्रिक जो है, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट, वो अच्छी तरह से उपाय कर पाएंगे, ऐसा हमने उनको कहा। और उनके पास आप जाइए, वो जो भी मेडिसिन देंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो इससे वो ये बंदा ठीक हो जाएगा और आपके प्रॉब्लम ठीक होने में मदद मिलेगी। तो यह कहने के बाद में उनको बहुत दिलासा हुआ और रिलैक्स्ड हो गए इसकी मिसेज बहुत, क्योंकि अभी उस बच्चे भी उनके बड़े हो गए हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम से लेकर रहना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई ये केस स्टडी मैंने आपको दिखाई है, जहाँ पर 638 638 ये तीनों हाउसेस डायरेक्ट एक्टिवेट हो गए हैं। हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कृष्णमूर्ति मेथड। देखिए, इन ट्रेडिशनल मेथड वी एम्फसाइज ऑन द प्लैनेट्स, जैसे सैटर्न है, मार्स है, राहु है, ऑल दैट प्लैनेट्स के ऊपर, प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज द सुपर हीरोज ओवर देयर। बट इन कृष्णमूर्ति मेथड प्लैनेट्स आर सेकेंडरी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस इज द सब लॉर्ड ऑफ एवरी हाउस विच विल क्रिएट द रिजल्ट, ऐसे कहा जाता है। तो वह हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो कौन से भाव दर्शाता है, विच हाउसेस इट इज शोइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हाउस कॉम्बिनेशन कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक बार आपकी इसमें मास्टरी हो गई, एक बार समझ गए आप ना, तो एकदम इजी हो जाता है सब हाउस कॉम्बिनेशन एकदम समझने के बाद में। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक मेन हाउस, और उस जो मेन हाउस मैटर है, जैसे यहाँ पे हमें 6th हाउस का मैटर दिख रहा है, तो वो 6th हाउस लिया, फिर 8th हाउस का फिर संदर्भ लिया कि 8th हाउस का सब लॉर्ड मर्क्यूरी है जो वापस 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो मल्टीपल उनको क्या लगेंगे, ट्रीटमेंट लगेंगे। और फिर 12th हाउस का जो केतु है, जो 7 में बैठा है, 3-8 है और मंगल के नक्षत्र में है, तो वो वापस क्या दिख रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, ये प्रॉब्लम यहाँ पे वह दिखा रहा है। सो इस तरह से 6 8 12 का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमें समझना है। जैसे अभी कृष्णमूर्ति में क्या होता है कि जैसे शादी है, तो शादी के लिए कौन सा मेन भाव है कि 7th हाउस है। फिर उसके लिए सपोर्टिव हाउसेस 2 और 11 है। 2 मतलब फैमिली, कि फैमिली में बढ़ोतरी होगी शादी करने के बाद में, 2 फैमिलीज, बहुत सारे अलग रिश्ते जुड़ जाएंगे। तो और 11 मीन्स प्राप्त होगा, एक लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। तो इस तरह से वहां देखा जाता जा सकता है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी हम क्या उसका डायग्नोसिस हो सकता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तो उसको समझने के लिए यह कुंडली मदद करती है। और कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत ही सूक्ष्म रूप से यहाँ पर कार्य करती हुई दिखाई देती है।
अभी क्या होता है कि 30 डिग्री का एक स्पैन होता है किसी भी राशि का। वो 30 डिग्री के स्पैन में जब भी, जैसे हमने पहले एक उदाहरण कहा कि शरीर के पार्ट देखे, है ना, कि समझो थर्ड हाउस का जो पार्ट है, तीसरा भाव है, या तीसरा भाव में जो देखा जाता है कि कान देखे जाते हैं, फिर उसके बाद में हमारे शोल्डर्स देखे जाते हैं, फिर हमारे हैंड्स देखे जाते हैं, तो ये फिर तीनों में से क्या देखना है कि एक ही बार तीनों तो नहीं समझ सकते। फिर प्रॉब्लम कान में है कि शोल्डर्स में है कि हैंड्स में है, कहाँ पर है। तो एक्चुअली इसमें भी बाइफरकेशंस किए जाते हैं, जैसे कि इसका अगर हम कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल के साथ करें, एक त्रिशांश कुंडली बोली जाती है कि 30 डिग्री के 3 भाग किए जाते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो 0 to 10 रहेगा तो कान आएगा, ईयर्स आएंगे, 10 to 20 रहेगा तो शोल्डर्स का भाग आएगा, अगर 20 to 30 रहेगा तो हैंड्स का भाग आएगा। ऐसे उसका बाइफरकेशन ट्रेडिशनल में भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। फिर उसके बाद में व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, फिर जैसे एक मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि हमारा एक रिश्तेदार है, और एक रिश्तेदार को कभी एक बार चक्कर आ गया, कंपनी में था वो, और चक्कर आने के बाद में वो उधर ऐसे ही बैठ गया, उल्टी वगैरह हो गई उसको, तो उसके बाद में वो बहुत डर गया, तो उसने क्या किया, तुरंत थोड़ा संभल जाने के बाद में मोबाइल में गूगल में जाके देखा कि क्या ऐसे सिम्टम्स के लिए क्या रोग हो सकता है, एंड ही फाउंड सो मेनी वेरी सीरियस डिसीजेस इन द गूगल। सो इतना डर गया, इतना डर गया कि पूछो मत। तो मेरे को फोन आया तो मैंने कहा देखो आप एकदम शांत हो जाओ, और पहले उनके दोस्त को बोला कि आप उनको कंपनी से यहाँ लेके आइए, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, उनके कान में कुछ न्यूरोलॉजिकल का थोड़ा सा न्यूरॉन्स का कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है, मुझे समझता है कि ऐसे हुआ रहेगा, और उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं, तो प्रॉब्लम इज नॉट इन द हार्ट और ब्रेन, तो वो आपके कान में प्रॉब्लम है, ईयर्स में प्रॉब्लम है, मतलब वेन एवर थर्ड हाउस विल कम तो हमें जरा चौंकना होना होगा कि अरे यहाँ तो कुछ रिलेटेड वैसा है। तो अगर वो 0 to 10 डिग्री में है लग्न कृष्ण कुंडली में, तो 100% वो कान का ही प्रॉब्लम हो सकता है, वो मर्क्यूरी का प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि उसकी वजह से भी चक्कर आती है, उल्टियां भी होती है। तो ये एग्जैक्ट कुछ तो भी हमने मतलब उसके ये सब बताने के बाद में भी उनका स्कैनिंग वगैरह किया गया, एमआरआई किया, सीटी स्कैन किया, सब कुछ किया गया, क्योंकि शंका जो होती है वो जब मन में आती है तो बहुत बुरी होती है। हम कहते हैं ना कि मन से बड़ा कोई शत्रु हमारा नहीं होता है। तो लास्ट में फिर वही डायग्नोसिस आ गया कि उनके कान में प्रॉब्लम है, और कान के पर्दे में कुछ होल बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, ऐसा डॉक्टर ने बाद में अपना डायग्नोसिस लिख के दिया। तो मतलब चेकिंग तो सब करनी चाहिए जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन डरना नहीं चाहिए। ना ऐसे डरेंगे या गूगल पे खोजेंगे तो बहुत कुछ सीरियसली अलग ही लेवल का होता है उसमें। उसमें तो 100 डिसीजेस दिए रहते हैं, सो हाउ कैन यू सिलेक्ट वन ऑफ देम। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें एग्जैक्टली क्या है कि ऐसे मौके पर जब ऐसी कोई बहुत ही इमरजेंसी है, और तभी तो मैं, वो तो कोरोना का समय चल रहा था तभी की ये बात है कि जब भी हॉस्पिटल्स बंद थे, फिर डॉक्टर भी जल्दी ले नहीं रहे थे किसी को, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये कुंडली का हेल्प बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली समझने के लिए ये जो कॉम्बिनेशंस है कि ट्रेडिशनल का भी हमें कॉम्बिनेशन अगर इसमें ले लेंगे तो एग्जैक्टली क्या करना है, क्या लेना है, वो समझ में आ सकता है कि अगर हेड का भाग है तो कौन से ब्रेन में प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, छोटे मेंदू में है, स्मॉल ब्रेन में है कि बड़े ब्रेन में है, लाइक दैट वो स्पेसिफिकेशन बाद में आ जाता है। ये स्पेसिफिकेशन इस केस को लेकर हमने किया था कि ये जो नक्षत्र है, फिर उसके भाव है, फिर प्लैनेट्स है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है,
और कौन से कनेक्शंस उसमें आ रहे हैं, विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो कौन से भी प्रॉब्लम देखते वक्त हमें एक मेन हाउस को सिलेक्ट करना होगा, फिर दो सपोर्टिव हाउसेस उसके लेने होंगे कि जो हमको ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैटर में वो मैटर क्या है उसके बारे में बताएंगे। सर समझने के लिए यस सर 1 मिनट आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे तो थोड़े होम्योपैथ को थोड़ा आइडिया आ जाएगा इसके पहले के स्लाइड पे। और एक पहला अच्छा जो था, हाँ नाउ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सर हैज गिवन एन एक्सलेंट मेथड कॉल्ड प्रश्न कुंडली, वेर पीपल मिस मेनी स्टूडेंट्स यूज टू आस्क मी कि वी डोंट हैव द बर्थ टाइम ऑफ अ पर्सन, और वी डोंट द पेशेंट डज नॉट नो हिज बर्थडे बर्थ टाइम, सो हाउ कैन वी डायग्नोस और हाउ कैन वी प्रिस्क्राइब। सो दिस इज कॉल्ड प्रश्न कुंडली। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन द पेशेंट कम्स इनसाइड योर कैबिन और द पेशेंट गिव्स यू अ कॉल, सो यू प्रिपेयर अ कुंडली ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। नाउ सर गेव अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इन दिस दैट शी इज अ साइकिक, मीन्स ही हैज अ हार्मोनल और ही इज हैविंग सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर ही मे रिक्वायर एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन। नाउ सी इफ यू सी द ग्रीन पार्ट इन दिस, सो एज अ होम्योपैथ वी सी अ पर्सन एज अ होल, गॉट इट? एंड इफ यू सी हिज फर्स्ट हाउस, इट्स सब इज केतु, राइट? सो वॉट वी हैड डिस्कस्ड इवन प्रीवियसली, केतु सिग्निफाइज हेडलेसनेस, सिग्निफाइज यू आर नॉट एबल टू टेक अ राइट डिसीजन। एंड सी अगेन इट इज सिग्निफाइंग 7, 3, 8। सो वेन वी कंसिडर एज अ होम्योपैथ वी कंसिडर द फर्स्ट हाउस ऑल्सो, एंड सर एज राइटली सेड द सिक्स हाउस विच इज द हाउस ऑफ डिसीज, अगेन इट इज 6, 3, 8। एंड ओवरऑल पिक्चर इफ यू सी यू विल फाइंड मेजोरिटी 6, 6, 6, 6, 6 कमिंग अप, एंड द सब्स यू आर फाइंडिंग केतु राहु केतु राहु केतु राहु कमिंग अप फ्रीक्वेंटली प्लस। सो वी लेबल दिस पर्सन एज नॉन डिलीजेंट। सो फ्रॉम प्रश्न कुंडली ओनली वी आर एबल टू डिराइव अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। प्लस इफ यू सी इन दिस केस द लग्न लॉर्ड इज गुरु बेसिकली एंड जुपिटर इज विथ राहु, अगेन इट सिग्निफाइज नॉन डिलीजेंसी। सो दिस इज हाउ, लाइक सर एक्सप्लेन, वी कैन प्रिस्क्राइब अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और वी कैन आइडेंटिफाई वॉट टाइप ऑफ मेडिसिन ही मे रिक्वायर। सो होम्योपैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू इट वुड बी अ नॉन डिलीजेंट नॉन कॉन्सेंशियस अ सेक्शुअल रेमेडी। सो दिस इज हाउ इट केपी और द सब लॉर्ड कंसेप्ट वेर यू डोंट हैव द बर्थ डिटेल्स हेल्प्स यू। सर प्लीज कैरी ऑन। Yes, thank you, sir, for your valuable inputs. So this is what we can do कि जब भी आपके पास मतलब there is no need for the natal chart at the initial level कि अगर किसी के पास नहीं है तो आप उस समय की प्रश्न कुंडली का बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। I use this प्रश्न कुंडली in many dimensions, multiple dimensions, everywhere, in every field I am using this प्रश्न कुंडली। तो एक तरह से इसको अल्लादीन का एक जादुई चिराग ऐसे कहा जा सकता है। और इट इज वेरी इजी। सो जैसे देखा हमने कि विनस आया, उसमें फिर केतु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विनस लाइंग इन 8th हाउस एंड कमिंग इन 7th हाउस, एंड केतु इज द सब लॉर्ड ऑफ 1st हाउस एंड 12th हाउस ऑल्सो। तो दोनों भी है, मतलब वो व्यक्ति खुद ही खुद को अड़चन में डाल रहा है। फिर 7 का सब लॉर्ड भी केतु है, मींस दैट उसकी जो वाइफ है शी इज ऑल्सो सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ हिम। सो मेनी सब लॉर्ड्स आर राहु केतु शुक्र ऐसे ज्यादा करके यहाँ पे आए हैं, तो वो हमें एग्जैक्टली पिक्चर वहां पर दिखा देते हैं। सी दिस इज वेरी सिंपल एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज यूज इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आई थिंक सो, कि जब भी आप 6 का सब लॉट देखोगे इफ इट इज लाइज इन मूवेबल साइन
जैसे 1, 4, 7, 10 मतलब एरीज और कैंसर और लिब्रा और कैप्रिकॉन, ये जो है मूवेबल साइंस है, दे एक्ट वेरी फास्ट, सुपर फास्ट मोड। तो इससे अगर संबंध सिस्कल सबलॉर्ड रखता है तो वो पेशेंट की जो परिस्थिति है उसमें एकदम फास्ट क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, फास्टेस्ट चेंजेस विल कम। लेकिन अगर इम्यूएबल साइन में है, जोडियक साइन में, जैसे टॉरस में है, लियो में है, स्कॉर्पियो में, एक्वेरियस में है, तो देयर विल बी अ वेरी स्लो रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। तो ये दोनों खाली एक सिंपल लेवल का अंडरस्टैंडिंग समझकर भी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास आया हुआ जो पेशेंट है तो शायद उसका जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है और एकदम शॉर्ट ट्रीटमेंट से एकदम फास्ट सॉल्व होने वाला है, या थोड़ा सा उसके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हमें देनी होगी और वो जो धीरे धीरे बदलाव होंगे, इट विल चेंज वेरी स्लोली। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे हम ये हमने एक एग्जांपल लिया कि इसमें जो वीनस था, दैट वीनस वाज लाइंग इन लियो, लियो इज अ फिक्स साइन, इमूवेबल साइन, जोडियक साइन, स्थिर राशि जिसे कहा जाता है। सो सिचुएशन विल नॉट चेंज क्विकली, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वहां पर आवश्यक है। नहीं तो ऐसे नहीं कि अभी गए और एक गोली खाया और दूसरे दिन से एकदम वो नॉर्मल हो गया, ऐसे उस केस में बिल्कुल होगा नहीं। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि दैट सिक्स हाउस ऑफ लॉर्ड इज कनेक्टेड विद इम्यूएबल साइन, दैट इज लियो, जैसे हमने पीछे जाकर देखा ना, सी सिक्स हाउस में लियो राशि है और लियो राशि में वीनस, मर्क्यूरी, फिर मार्स, ये सभी सिचुएटेड है। ठीक है, और ड्यूएल रहेगा, समझो सिक्स ऑफ लॉर्ड इज इन ड्यूएल साइन लाइक जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस, पिसेस। तो ऐसे केसेस में ट्रायल एंड एरर मेथड यूज हो सकती है, या डायग्नोसिस में कंफ्यूजन आ सकता है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मल्टीपल मोड ऑफ मेडिसिन, उसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा हमें यूज करने होंगे। तो वहां पर हमें एक लेवल से खाली ट्रीटमेंट लेकर चलेगा नहीं चलेगा, तो हमें ट्रीटमेंट का मोड बदलना होगा, उसमें कॉम्बिनेशन लाने होंगे, तभी जाके वो एक मिडल लेवल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एकदम फास्ट सॉल्व होगा नहीं। तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए, क्योंकि ड्यूएल साइन का काम क्या है कि कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है उनको हमेशा, तो ये करे या वो करे, या ये भी है वो भी है, एग्जैक्टली क्या है, तो उसमें फिर कॉम्बिनेशंस ढूंढने पड़ते हैं और फिर कॉम्बिनेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवेबल, इमूवेबल एंड ड्यूएल साइंस। सी रोल ऑफ द थर्ड एंड नाइन्थ हाउस फॉर रेमेडीज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि मेरे पास आए हुए एक जातक की मैं अब तो कहानी सुनाता हूँ, किस्सा है, बहुत साल पहले की बात है, शायद मुझे लगता है कि 17-18 साल पहले की बात होगी। अमेरिका से एक पति पत्नी जो NRI थे, वहां ही रह रहे थे, जब वो इंडिया में आए थे तो मुझसे मिलने आए थे, किसी ने तो मेरा रेफरेंस दिया था, एंड दे केम टू मी और बैठे और बोले कि देखो मेरे लड़के का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, 15वें साल तक तो एकदम बहुत ही एक नंबर था स्टडीज में अमेरिका में, मतलब तब तभी के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उनसे भी उसको गोल्ड मेडल मिला था वगैरह वगैरह। लेकिन उसके मिलने के बाद अगले 6 महीने के बाद में उसमें इतने बदलाव आ गए कि वो दरवाजा बंद करके खुद अकेला बैठने लगा, खाना पीना नहीं, ये नहीं, कॉलेज जाना नहीं, बहुत सारे चेंजेस उसमें आ गए, क्या हो गया अचानक हमें पता नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। तो हमने देखा कि प्रश्न कुंडली क्या बोल रही है, तो प्रश्न कुंडली से हमें जो दिखाई दिया, तो उनको हमने फिर एक प्रश्न पूछा कि ये जो लड़का था जब माँ के पेट में था तो कोई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्या, माँ को कोई बहुत बड़ा धक्का लग गया था क्या, ऐसा प्रश्न हमने उनसे उनको पूछा, क्योंकि थर्ड हाउस का वहां पे संबंध
आ रहा था और शनि मंगल राहु ऐसे तीनों प्लैनेट्स वहां पर थे, तो कुछ तो अलग हुआ है। तो ऐसा पूछने के बाद में दोनों जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा बाप रे, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? तो बोले, फिर मैंने उनको शांत किया, फिर चाय वाय पिलाया, फिर उसके बाद में बोला कि क्या हुआ था। तो बोले कि हमारा दोनों का जो है लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, और मेरे घर के जो दे आर वेरी ट्रेडिशनल माता पिता मेरे हैं थे, तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा बच्चा हमारे फैमिली में आए कि जो कि अलग इससे है, मतलब इतने ऐसे गलत विचार रखने वाले होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको मीठा मीठा बोल के ऐसा खाने पे बुलाया और उस बहू को खाने में जहर दे दिया था। तो वो जो वाकया था, वो जो मतलब चौथे महीने के आसपास हुआ था, तो वो लाइफ टाइम के उसको प्रॉब्लम बन चुका था, जो कि अभी कुछ दिन के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में ओपन हो गया था। तो सोचिए कि ऐसे जो जो प्रॉब्लम्स है, विच आर वेरी मच फाउंड इन द सम मिजरेबल टाइप ऑफ केसेस, कि जहां पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कि ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, ब्लड टेस्ट किए, ये टेस्ट किए, सब टेस्ट आर नॉर्मल, एंड स्टिल दैट पर्सन इज फेसिंग सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटेलिटी प्रॉब्लम्स और लाइक दैट। तो हमें इस ऐसे समय पर जब ऐसा होता है, जिसको हम साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहते हैं, तो डीप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर इससे निर्माण होते हैं, कि जो हमारे बचपन में शायद हुआ होगा। तो बचपन में होता है कि एक्चुअली इंसान का जो मतलब लाइफ का ये है, वो माँ के पेट में जब थर्ड मंथ के बाद में ही शुरू हो जाता है, तो तभी से लेकर फिर आज तक के उसके एज तक वो ढूंढना पड़ता है। तो हमने वो जो कालावधि था, समय था, टाइम था, वो टाइम फ्रेम ऐसे ढूंढा और उनको फिर वैसा कहा था, एंड दे एडमिटेड कि ऐसा हुआ था, लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में ले जाया गया। सो उनकी जान तो बच गई और बच्चे की भी जान बच गई, लेकिन लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था, वो आज 15 साल के बाद में, जब उसकी खुद की महादशा निगेटिव चली आ रही है, तभी वो ओपन हो गया था। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हमने मैंने मेरे पास आए थे, अलग अलग टाइप के, कि जब थर्ड हाउस में कुछ प्रॉब्लम होता है इस तरह का, तो एटीट्यूड में प्रॉब्लम होता है, कभी माँ के पेट में रहते हुए प्रॉब्लम होता है, कभी जन्म होने के बाद में होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड दैट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट थ्रू प्रश्न कुंडली। देर इज नो नीड टू रिफर डायरेक्टली नेटल कुंडली। आप नेटल कुंडली भी रिफर करना ही चाहिए, मैं ना नहीं कहूंगा, लेकिन अगर प्रश्न कुंडली में आपको दिख रहा है, तो उसको कंफर्मेशन के लिए उसकी नेटल कुंडली आप रिफर कीजिए। और ऐसे साइकोसोमेटिक डिसीजेस कुछ उसको है क्या पेशेंट को, या मेंटली कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या चाइल्डहुड में, कुछ फोबिया है क्या? तो ऐसे इस तरह से हम अगर ढूंढेंगे, तो आज के उसके प्रॉब्लम का शायद सोल्यूशन मिल जाता है, फिर काउंसलिंग से ही ठीक होता है, ज्यादा दवा पानी करने की उसको जरूरत कम पड़ती है। तो सिंपली सिंपल लेवल से जब भी कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि एनी इवेंट विच मे बी वेरी वर्स्ट और बैड हैपन इन योर चाइल्डहुड और एनी एज, वो जब भी ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद में उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो यह थर्ड हाउस की करामत है। थर्ड हाउस इज अ सबकॉन्शियस माइंड है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाकर बैठा है, उसको हमें ढूंढना चाहिए, और वो हम इस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा टूल कृष्णमूर्ति पद्धति ने दिया है। सो नाइन्थ हाउस इज कॉन्शियस माइंड, तो उसको उस तरह से हम रिमेडी के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये केस था बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ऐसे मेरे पास मतलब बहुत सारे केस है कि जो कि बहुत मिजरेबल लगते हैं सुनने में, बहुत लॉजिकल से बहुत बियॉन्ड द लॉजिक्स लगते हैं, लेकिन दे आर देयर। और ऐसे फिर उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी मदद हो गई थी। तो किसी ने एजुकेशन छोड़ दिया था, किसी की शादी नहीं हो रही थी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स में ये जो टेक्निक है ये यूज किया गया है।
नॉट ओनली फॉर हेल्थ मैटर्स बट सो मेनी मैटर्स। वंडरफुल सर। बैनर भाइयों, हम जब सीखने को जाते हैं ना, सीखने की जब बात होती है तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु अनुभवी होना चाहिए। और हमारे बुधवंत सर ने 23 साल में ऐसे हजारों कुंडलियों को हैंडल किया है, मार्गदर्शन दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन भी लाया है। मैं चाहूंगा अभय पाटिल सर आए, डॉक्टर अभय पाटिल सर आए और किस तरह से आगे की जर्नी होगी इससे पढ़ाई की, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। अभय सर, हाँ थैंक यू सर। बुंदवन सर, इट वॉज सो मच लर्निंग इवन फॉर, हेलो आई थिंक सो समबडी इज, बुधुन सर आप एक माइक बंद करें, आपका माइक बंद कर दें। हाँ हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, ये लेक्चर में मुझे भी काफी सीखने को मिला। देर आर सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, मतलब इंटरेस्टिंग थियोरी जो आपने एक्सप्लेन की, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स ऑफ एज अ होम्योपैथ एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स। जो सर ने सर एक्सप्लेन दैट इफ द सिक्स सब लॉर्ड इज इन मूवेबल साइन देन चांसेस ऑफ रिकवरी आर फास्टर एंड बेटर। सो लाइक वी एक्सप्लेन इन होम्योपैथी दैट ही विल रिक्वायर अ सोरिक रेमेडी और सच पेशेंट इज सोरिक इन नेचर वेर एक्यूट रेमेडी और अ सिंगल डोज मेडिसिन विल वर्क ब्यूटिफुली एंड द पेशेंट विल कम आउट वेरी फास्ट। So in a Prashna Kundli, like sir has explained, so if we find the six sub lord in a movable sign, you can 101% say that the patient will recover faster. Now same way, if it is in a fixed sign, like what we call psychosis in homeopathy, then you know that you will require an intercurrent remedies. Budhwan sir, ye thoda homeopathic hai, लेकिन इन लोगों को फिर इजी पड़ेगा समझने में। सो यू विल रिक्वायर ऑब्स्टेकल, मीन देयर वुड बी ऑब्स्टेकल्स टू क्योर एंड यू विल रिक्वायर अ इंटरकरंट रेमेडी और यू विल रिक्वायर अ मिनरल रेमेडी विद फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। एंड इफ इट्स ड्यूअल साइन लाइक वी कॉल हिस्टेरिया और सिफिलिस विच इज स्पेशली सुटेबल लाइक वी सी इन कैंसर केसेस और इवन इन मेंटल केसेस और हैविंग सीवियर issues who are non-constant, who cannot follow with you, or you can say that this patient may not continue with you. They will approach different doctors to cure themselves. So it's a very interesting concept and it will straightforward help you to prescribe a remedy. So whether to prescribe a plant, animal or a mineral remedy, this concept is a beautiful thing Sanjay sir has explained. Then the most important thing in homeopathy, like when we are treating cerebral palsy patients or patient Down syndrome patients, where we see the mother's state of pregnancy. Such cases, as Sanjay sir says, see the third house. From there, you can directly understand the mental state of the person, of the mother during pregnancy. For example, if it is Saturn and Mars together, means there would be some suppression, there would be some vexation. There must be some anger which was suppressed during pregnancy. If it is Saturn and Moon, that means there must be some grief. So there could be many things which we can interpret or which we can understand just by looking at the third house of the patient. So Sanjay sir, an extremely enlightening lecture. It has helped us a lot. It's just a, what we say, a seed which you have planted today. We have to water it and we have to build a plant from that seed. Hum logo ko bada karna hai ek jhad. And I want all homeopaths, जितने भी अटेंड, इसकी रिकॉर्डेड भी सेशन, क्योंकि काफी डॉक्टर्स आज बिजी थे, हम लोग हमारे ग्रुप में भी डालेंगे एंड वी होप दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर सीरीज इन फ्यूचर एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म अ करिकुलम फॉर आवर डॉक्टर्स जिसमें आप
एक एस्ट्रोलॉजी पार्ट है, जो प्रश्न कुंडली, जो आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, उससे हम को डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू कम टू सम कंक्लूजन. एंड द होम्योपैथिक पार्ट आई विल टेक इट विद देम सो दैट वी मे डिस्कवर समथिंग न्यू इन इन दिस फील्ड. ओवर टू यू सर. एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. ऋषिकेश सर, यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग प्लीज? Indeed, indeed, sir. It was a very, very, very. It was a session full of wisdom, and doctors who would like to learn this and add this tool as well in their practice. ये सोने पे सुहागा होगा और सब पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कितनी चीजें आसान हो जाएंगी. This subject has immense power, immense power. So you must, everybody must, and great thanks to Dr. Abhay Patil sir. Who's taken this initiative, made this a mission of his life, and collaborating with Budhwant sir, we will do wonders and help the society recover faster. Am I right, sir? Yes, 100%. I'm very sure about it. Because the traditional part we lack, specifically I lack. So it was difficult for me to teach KP or how to start, but then sir has given a very easy way to how to approach a case by way of Prashna Kundli. Definitely, sir, we would like to hear you more. And I promise I will take it ahead. With you. Please smile. Budhwan sir, अपने डॉक्टर अभय पाटिल सर की मुस्कान बहुत प्यारी है. एक डॉक्टर की मुस्कुराहट उसके दवाओं से कहीं ज्यादा असर दिखाती है. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ऑन अ क्लोजिंग नोट, आपके लिए और आपके माध्यम से सारे डॉक्टर्स के लिए दुआ करते हैं कि ये मुस्कान आपकी कोई चुरा ना पाए, कभी कोई आपको रुला ना पाए, खुशियों के ऐसी दीप जले आपकी जिंदगी में, कोई तूफान भी उसे बुझा ना पाए. वेरी वेल सेड ऋषिकेश सर. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक इट फर्दर. Sure, Right, sure, sir. sure. Thank you, thank you, sir. Thank you, Good thank night. you, sir. Thank you. Bye. Good thank night. You. Thank you, Dr. Good night, Amar. sir. Thank and you, all the you. doctors. Thank you so much. Recording stopped.